ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आजकल राहु ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जिसे देखो वो राहु की चर्चा जरूर करता है। दरअसल हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और शनि को एक जैसा फल देने के लिए कहा गया। कहा गया कि राहु शनिवत फल देते हैं, यानी शनि की तरह फल देते हैं, और केतु को कहा गया कि केतु मंगल जैसा फल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राहु और शनि में मेन डिफरेंस क्या है? दरअसल शनि राहु की तरह कभी जल्दी या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते। शनि अपना प्रभाव धीरे धीरे देते हैं, इवन कभी इतना धीरे धीरे दे देते हैं कि सामने वाले को समस्या हो जाती है, और राहु अपना प्रभाव अनएक्सपेक्टेड तुरंत अचानक देते हैं। अगर आपके साथ अचानक से कोई अच्छी या बुरी घटनाएं घटने लगें तो आप आंख बंद करके मान लीजिएगा कि आप या तो राहु की चपेट में आ गए हैं, या राहु अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कहीं ना कहीं राहु उस दिन जरूर मौजूद होंगे जिस दिन आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज घटित होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं राहु से संबंधित सूत्रों के बारे में। हमारे ज्योतिष के जानकारों ने कहा कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में राहु कारक होते हैं, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि भले ही राहु का संबंध इन भावों से हो, लेकिन फिर भी ये देख लेना चाहिए कि राहु किनकी राशि में है, क्योंकि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसी के जैसा रूप बना लेता है। और ये हम सब लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप राहु के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा उस राक्षस के बारे में। याद करिए जिसने अमृत पीने के लिए देवता का रूप धरा था। उसने दूसरों को छला था, एक छलावा दिखाया था, कैमोफ्लॉज दिखाया था। आज भी वो वही कर रहा है, रूप बदल रहा है, भ्रम क्रिएट कर रहा है और हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे रहा है। चलिए बताते हैं आज आपको कि आप ये तो जानते ही होंगे, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि चर राशियां कौन सी होती हैं, स्थिर राशियां कौन सी होती हैं और द्विस्वाभाविक राशियां कौन सी होती हैं। जिन्हें नहीं पता तो आज मैंने उनके लिए फिर से चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि के आगे राशियों के नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है अपनी कुंडली में कि आपके राहु चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्विस्वाभाविक राशि में है। जैसे मान लीजिए आपके राहु आपकी जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में है, जैसे मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये चार राशियां द्विस्वाभाविक राशियां हैं। अब राहु अगर इन्हीं राशियों में है, जैसे मिथुन में हो या फिर कन्या में हो या फिर धनु में हो या फिर मीन में हो, अब ये मैंने कुंडली ऐसे बना दी है कालपुरुष की, आपकी कुंडली में ये राशियां कहीं भी हो सकती हैं, और इन जिस भी राशि में राहु बैठे हैं, जिस द्विस्वाभाविक राशि में राहु बैठे हैं, इस राशि का स्वामी जन्म कुंडली के या तो पहले भाव में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, पंचम में हो या नवम में हो। फिर से सुन लीजिए, द्विस्वाभाविक राशि में राहु हो, यानी राहु या तो मिथुन में हो, कन्या में हो, धनु में हो या मीन में हो, और इनका स्वामी यानी बुध या गुरु जो भी जिस भी राशि में होंगे, तो या तो बुध स्वामी होंगे या गुरु, तो इनके स्वामी जन्म कुंडली के 1, 4, 10, पंचम या नवम में हो, तो ऐसे राहु को राजयोग कारक कहा गया। और कहा गया कि ऐसा राहु अपनी दशा, अंतरदशा में या महादशा में इंसान को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, यानी अचानक से लाभ देगा। ऐसे इंसान को जीवन में कई बार अचानक से ऐसे लाभ होते हैं जिसके बारे में उसने सोचा ना हो। वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में आपके राहु जो हैं वो या तो चर राशि में हो या स्थिर राशि में हो। चर राशियां कौन कौन सी? मेष, कर्क, तुला या मकर, ये चर राशियां हैं। या स्थिर राशियां? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। इन चर या स्थिर राशि में से किसी राशि में राहु बैठे हों और इन्हीं जिस राशि में वो बैठे हों उसका स्वामी जन्म कुंडली के 1, 4, 10, 5 या 9 भाव में बैठा हो, तो इसे राजयोग कारक कहा गया। फर्क बस इतना हुआ कि जब द्विस्वाभाविक राशि की बात हुई थी तो द्विस्वाभाविक राशि में इनके राशिपति अगर 6, 8 या 12 भाव में चले गए तो राहु का प्रभाव जो है अच्छा नहीं मिलेगा। राहु का प्रभाव द्विस्वाभाविक राशि में तभी अच्छा मिलेगा जब उसके स्वामी 1, 4, 7, 10 या 5 या 9 में हो। 7 को वैसे गिना नहीं जाता, लेकिन ठीक है, अगर 7 में भी हो तो कोई बहुत बुरा नहीं है। लेकिन स्थिर और चर राशि में ये सूत्र घटित नहीं होता। स्थिर और चर राशि में अगर राहु बैठे हैं तो इनका स्वामी जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 10, 5, 9 में हो तो राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर इनका स्वामी जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 भाव में भी हो तो भी राहु यहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। दरअसल आपको यह समझना पड़ेगा कि राहु और केतु जिस भी भाव में बैठते हैं तो राहु के आगे केतु होते हैं और दोनों मिलकर कई सारे भाव को ब्लॉक कर देते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु लग्न में बैठे हैं और केतु सप्तम में बैठे हैं। राहु यहां से 5वें को कवर करेंगे, नवम को कवर करेंगे, लग्न में खुद बैठे हैं। केतु उनके सामने होंगे तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 11th हाउस को कवर करेंगे, 3rd हाउस को कवर करेंगे और खुद सप्तम में बैठेंगे। तो यानी एक साथ इन दोनों ने जन्म कुंडली के बहुत सारे भावों को ब्लॉक कर लिया। इसीलिए राहु और केतु का जब प्रभाव देखने के लिए आता है तो बड़ा विस्तृत रूप से आता है, अनएक्सपेक्टेड आता है, क्योंकि इनको भी गुरु के जैसे ही दृष्टियां प्राप्त हैं। दूसरी चीज, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं या शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो ये उन्हीं के जैसा फल देने लगते हैं। इसी तरह अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में किसी खराब ग्रह की राशि में, जैसे मान लीजिए
राहु यहाँ पर 10 नंबर में राहु लिखा है, आपकी कुंडली में भी यहाँ 10 नंबर लिखा है, राहु उसमें बैठे हैं, तो ये शनि की राशि है। अब राहु यहाँ पर शनि जैसा रूप बना लेंगे तो राहु का जो प्रभाव होगा, राहु चतुर्थ भाव में देखकर शनि जैसा रिजल्ट करेंगे, यानी माता की तबीयत खराब, घर में कलह का वातावरण, और इसके साथ ही क्योंकि ये शनि की राशि में है तो ये शनि को भी प्रभावित करेंगे। अब जन्म कुंडली में कहीं से भी शनि की दृष्टि भी अगर चतुर्थ भाव में पड़ जाए तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की माँ हो ही ना, उसके जन्म के समय या जन्म के कुछ समय बाद या तो माँ हो ना, और अगर माँ हो तो उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो, व्यक्ति का संबंध अपनी माता से बहुत खराब हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा कलह का वातावरण हो, भूमि भवन वाहन ये चीज़ें अर्न करने में इंसान को बहुत मेहनत पड़े, यानी वो अपना घर ना बना पाए, प्रॉपर्टी ना खरीद पाए, ऐसी दशा जो देखने में आए। तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे मंगल की राशि में अगर राहु है तो मंगल जैसा रूप बना लेंगे। अब अगर मंगल भी कहीं से सातवें भाव को देख लें, क्योंकि लग्न में बैठा राहु सातवें भाव को देखेगा तो दाम्पत्य जीवन को यानी मैरिड लाइफ को बिल्कुल तबाह तहस नहस कर देगा। तो अगर राहु ने सप्तम को देखा और इन्हीं की राशि में, क्योंकि मंगल की राशि में है, मंगल भी कहीं से सप्तम भाव को देख लें तो ये तय मानिए कि ऐसे व्यक्ति का 99% या तो डाइवोर्स हो जाएगा, या तो उसके जीवन साथी की तबीयत इतनी खराब रहेगी कि व्यक्ति खूब परेशान हो जाएगा, और या तो उन दोनों के बीच में तालमेल बिल्कुल ना बनेगा, केवल एक नाम मात्र के वो पति पत्नी होंगे जो बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए एक रिश्ते में हों, बाकी उनके आपस में कोई तालमेल बिल्कुल नहीं होगा। तो राहु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अकॉर्डिंग अपना स्वभाव बना लेते हैं। अब जब उन्होंने स्वभाव अपना उस अकॉर्डिंग बना लिया तो उनके प्रभाव में भी उसी अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं। अब यही राहु अगर देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठेंगे तो इनका कुछ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति जैसा यानी शुभ जो है देखने में मिलेगा। अब क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, इनका जो एक्चुअल नेचर है, मूल स्वभाव है, वो पाप वाला ही है, तो इसलिए राहु से आप बहुत अच्छी चीजें एक्सपेक्ट ना करिएगा। राहु आपकी जन्म कुंडली में कितने ही अच्छे राजयोग लगा के बैठे हों, कितनी ही अच्छी राशि में बैठे हों, कितने ही अच्छे भाव में बैठे हों, जब भी राहु की दशा अंतरदशा आएगी तो आप देखिएगा कि सिर्फ आपके साथ अच्छी घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि आपको अगर आपके साथ अनएक्सपेक्टेड अच्छी घटनाएं होती भी हैं तो उसके साथ आपको एक चीज़ फ्री में मिलेगी और वो है मानसिक टेंशन, वो है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, या मन से जो है मन अशांत होने की, मन भटकाव होने की स्थिति। तो आपको अपनी कुंडली में ये देख लेना है कि राहु पहली बात तो चर राशि में है, स्थिर राशि में है, द्विस्वाभाविक राशि में है, इनमें से आपको देख लेना है कि राहु कैसा प्रभाव दे रहे हैं। दूसरा आपको ये देख लेना है राहु किस ग्रह की राशि में है, शनि की राशि में है या फिर राहु माफ करिएगा शुभ ग्रह की राशि में है या राहु पाप ग्रह की राशि में है, और वो पाप ग्रह या वो शुभ ग्रह कहां पर बैठा है, उसकी दृष्टि कहां पर है, क्योंकि राहु उसी के जैसा प्रभाव रूप बना लेंगे तो वैसा ही प्रभाव देने लगेंगे। अब इसके अलावा एक सूत्र ये भी है कि अगर आपका जन्म वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण में हुआ है तो चूंकि शूद्र वर्ण, राहु को हमारे शास्त्रों में शूद्र वर्ण का कहा गया है, अगर आपका जन्म भी अपने पंचांग में देखिए वहां पे आपका वर्ण लिखा होगा, अगर आपका जन्म भी शूद्र वर्ण या वैश्य वर्ण में हुआ है तो राहु आपको कभी उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्गों को पहुंचाते हैं वर्ण को। अगर आपका जन्म क्षत्रिय वर्ण या ब्राह्मण वर्ण में हुआ है तो राहु आपकी जन्म कुंडली में आपको रिजल्ट देने में, मतलब कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने में आने लगता है, लेकिन अगर आपका जन्म शूद्र या वैश्य वर्ण में हुआ है तो इनका रिजल्ट जो है इंसान के लिए पॉजिटिव जो है दिखाई देने लगता है। तो राहु के प्रभाव को आप कुछ इस प्रकार से बिल्कुल समझ सकते हैं। अब एक सूत्र और सुन लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु किस ग्रह के साथ बैठे हैं इसे भी देख लीजिए। राहु भले ही सूर्य के साथ बैठें तो ग्रहण योग बनाते हैं, मंगल के साथ बैठें तो अंगारक योग बनाते हैं, बुध के साथ बैठें तो जड़ योग बनाते हैं, चंद्रमा के साथ बैठें तो ग्रहण योग बनाते हैं, गुरु के साथ बैठें तो गुरु चांडाल दोष बनाते हैं, शुक्र के साथ बैठें तो लंपट योग बनाते हैं, और शनि के साथ बैठें तो श्रापित योग बनाते हैं। ये सारे दुर्योग हैं जिनके बारे में आपने खूब पढ़ या सुन रखा होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अगर वो ग्रह अपनी राशि में है तो उसके प्रभाव में, उसके पोटेंसी में राहु वृद्धि कर देते हैं, यानी उसको बूस्ट कर देते हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हैं और उनके साथ राहु भी बैठ जाए, तो राहु बेशक चंद्रमा के साथ बैठने में जो ग्रहण का दोष होगा वो भी आपको उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, गुरु के साथ बैठा है तो जो गुरु चांडाल दोष के प्रभाव होते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा गुरु और राहु एक साथ हैं इसलिए चंद्रमा और गुरु से बनने वाला जो गज केसरी योग होता है उस गज केसरी योग के प्रभाव में ये जो राहु हैं ये बूस्ट कर देंगे। अब गज केसरी योग का प्रभाव अगर आपको पहले 50% मिल रहा था तो वो अब आपको 80% मिलेगा। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी मंगल के साथ राहु बैठे हों तो भले ही इसे अंगारक योग कहते हैं, इंसान को बहुत गुस्सा आएगा और अपने गुस्से की वजह से वो कई चीज़ें अपने जीवन में बिगाड़ लेगा, लेकिन राहु मंगल के साथ बैठ के मंगल की ऊर्जा को और बढ़ा देंगे।
ऐसा इंसान इतना डेयरिंग हो जाएगा, इतना साहसी हो जाएगा कि उसके लिए जीवन में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा, यानी वो किसी भी तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है। बुध के साथ अगर राहु बैठते हैं तो भले ही ये जड़ योग है, लेकिन बुध अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो ऐसा इंसान इतना चालाक हो जाएगा, इतना ज़्यादा शार्प हो जाएगा उसका माइंड कि टेक्नोलॉजी में या किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करे तो वो कुछ भी कर सकता है। इसका दिमाग इतना तेज होगा कि कम से कम अपने माइंड के दम पर वो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना या टेक्नोलॉजी को समझना या मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाना कि हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेना, इस तरह की चीज़ें दिखाई जरूर देंगी। तो राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसे हमेशा दुर्योग की तरह मत देखिए, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी का जैसा रूप बना लेगा। और कुछ इसके अलावा, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो गौर करिएगा कि ऐसे लोगों के चेहरे में या तो कोई चोट का निशान होगा या तो ऐसे लोगों के चेहरे में कोई दाग होगा, बर्थ मार्क होगा, और ऐसे लोगों की वाणी जितनी अच्छी होगी गुस्सा आने पे उतनी ही ज़्यादा जो है ये लोग की जो लैंग्वेज है वो अभद्र हो जाती है। यानी ऐसे इंसान से आप तब मिलें जब उसका मूड अच्छा हो और उसके बाद तब मिलें जब उसका मूड खराब हो, दोनों ही कंडीशन में आप मानेंगे नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। राहु जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये प्रबल शत्रुहंता योग लगाते हैं। अगर यहाँ पर धनु राशि नहीं है, अगर यहाँ पर मीन राशि नहीं है, तो यहाँ पर राहु बैठ के प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि धनु और मीन राशि होगी तो प्रबल शत्रुहंता योग नहीं बनेगा, लेकिन उसके अलावा राहु अगर मजबूत स्थिति में छठे भाव में बैठ जाएं तो ऐसे लोगों के शत्रुओं को अपने आप नुकसान होता रहता है, व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसके शत्रु जो हैं वो अपने आप परेशान होते रहते हैं। अष्टम भाव में जब राहु बैठता है तो इसे बहुत खराब दृष्टि से देखा जाता है। मैं भी मानता हूं कि अष्टम भाव में राहु स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का सिक्स सेंस बहुत गजब का हो जाता है। उन लोगों को आने वाली घटनाओं का ऐसा जबरदस्त पूर्वानुमान होने लगता है कि वो घटना होने से पहले या स्थितियां पलटने से पहले ही संभल जाते हैं। ऐसे लोगों का अगर राहु यहां पे बहुत अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को कहते नहीं, होने वाली चीजों के प्रति जो अंदाजा लगाया जाता है तो वो ऐसे लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है, सिक्स सेंस ऐसे लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है। नवम भाव में राहु को भले ही ज्योतिषकारों ने कारक कहा, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि यह घर काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का है और देवगुरु बृहस्पति धर्म के देवता हैं, तो यहां पर राहु की स्थिति को आपको तुरंत देख लेना है, क्योंकि अगर यहां पर राहु की स्थिति थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो भाग्य में राहु बहुत रोड़े अटकाते हैं। दशम में और एकादश में राहु की स्थिति को हमेशा अच्छा कहा गया है, और मैंने भी देखा है कि दशम और एकादश का राहु जो है वो इंसान को बहुत अच्छे प्रभाव देता है। तो आपको यह देख लेना है कि आपका राहु जो है सबसे पहले राशियों के आधार पर किस स्थिति में है, वर्ण आप किस वर्ण के हैं उस आधार में किस स्थिति में है, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह किस स्थिति में है, पाप ग्रह है शुभ ग्रह है उसके अनुसार देख लेना है, और भाव के अनुसार देख लेना है। इसके बाद आपको राहु की भी डिग्री को देखना है कि राहु कितनी डिग्री में है, किस स्थिति में है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि राहु आपकी जन्म कुंडली में अकॉर्डिंग टू आपकी बर्थ चार्ट किस तरह का प्रभाव आपको ज्यादा दे रहे हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में राहु कैसी स्थिति में है, कौन सा सूत्र आपकी कुंडली में लग रहा है, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।